आज दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहां के प्रत्याशी श्री शुभेंदु अधिकारी का प्रचार करने के लिए मैं यहां आया था। उसके बाद में कार्यालय में यहां के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा बातचीत और उनके पास से यहां की स्थिति का जायजा भी लिया। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम की जनता से जो अलब जलब बात मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। और आज मैं जब यहां आया तब एक दुखद समाचार भी मिला, जहां ममता दीदी रात को निवास करती है उसे एक किलोमीटर के दायरे के, 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार हुआ। अब महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बलात्कार करने वाले आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध मां को पीट पीट कर मारा जाता है, कल उनकी भी मदमुदार माई की कल मृत्यु हो गई। और ममता दीदी स्वयं महिला सुरक्षा की बात करती, एक कॉन्ट्राडिक्शन को बंगाल की जनता भली भांति जानती है। पूरा बंगाल घुसपैठ नहीं चाहता है, पूरा बंगाल चाहता है कि सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को नागरिकता मिले, पूरा बंगाल चाहता है कि यहां पर उद्योग लगे, विकास हो, यहां के बच्चों को रोजगारी मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो, विश्व स्तरीय हो, बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो, कलकत्ता एक विश्व स्तरीय शहर बने और फिर से एक बार बंगाल की संस्कृति का बोलबाला पूरे देश भर में, दुनिया भर में हो। एक दृष्टि से सोनार बांग्ला का स्वप्न जो महर्षि अरविंद और गुरुवर टागोर ने देखा था, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही साकार हो सकता है। पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए अपने वोट देने की बारी का इंतजार कर रही है, नंदीग्राम में भी मैंने यही देखा है। मैं आज नंदीग्राम की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को जिताना नहीं, ये तो जिताओगी ही, मुझे भरोसा है, परंतु इतने प्रचंड मार्जिन से जिताना है जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए हुए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए। मां मानुष माटी का नारा जो था, इससे जिस प्रकार का द्रोह किया गया है, ऐसा द्रोह करने की लंबे समय तक कोई हिम्मत न करे, इतने प्रचंड मार्जिन से श्री शुभेंदु अधिकारी को जिताइए, ऐसी अपील कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।